वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज है 23 जनवरी और आज जो डे है वो है सैटरडे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी दोपहर के जो है 2:30 बज रहे हैं और बस खाना वाना खा पी कर हम लोग फ्री हो गए थे। और ये मैंने अभी सारे बर्तन धो के रखे थे तो आपको ज़्यादा बर्तन फैले हुए दिख रहे होंगे। एक्चुअली आज बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे। और अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे चाय बन रही है और आटा भी निकाला है फ्रिज में से और रोटी भी सेकनी है क्योंकि पापा को जो है रोटी लेके जानी है शाम के लिए। तो बस यही मैं चाय पापा के लिए सिर्फ एक कप ही चाय बना रही हूँ अभी, क्योंकि ये शाम को पियेंगे इसलिए थोड़ी सी ही चाय बना रही हूँ। यहाँ बर्तन में से मैं धुल रही थी अदरक घिसने वाला, क्योंकि अदरक घिस के डालती हूँ मैं चाय में, तो बस मैंने अदरक भी डाल दिया। और साथ में आपको कढ़ाई में रखा हुआ दिख रहा होगा घी रखा है। एक्चुअली ये आज जो है बहुत दिन से मलाई मेरी इकट्ठी हो गई थी और मैं उसको घी नहीं निकाल पा रही थी, आज नहीं कल, ऐसे ऐसे कर करके काफ़ी दिन हो गए थे। तो ये घी निकालने के लिए बहुत सारी मलाई फ्रिज में इकट्ठी हो गई थी, 2 बर्तन बड़े बड़े भर के रखे हुए थे। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने एक ही में रख दिया है घी, क्योंकि घी भी मैंने 2 बर्तन में निकाला वरना वो इस कढ़ाई में आ ही नहीं रहा था, निकल रहा था गैस पे से बाहर। तो बस इसीलिए ज़्यादा फैला फैला दिख रहा होगा आपको मेरी किचन में, क्योंकि अभी मैंने बर्तन धो के रखे हैं और इनको जो पानी इनका छट जाएगा तो फिर मैं शाम को ही बर्तन लगा के रख देती हूँ बर्तन वाले स्टैंड में। तो जब तक मैं यहाँ पे फटाफट से जो है रोटियाँ भी बना लेती हूँ पापा के लिए। और अभी मुझे आज जो है अचार भी बनाना है, मतलब आज तो नहीं बनेगा, कल ही बनेगा, लेकिन उसको काट के और थोड़ा सा धूप में रख दूँगी, थोड़ा सूख जाएगा। और रात में उसका पानी भी जो है हल्दी नमक लगा के रख दूँगी अचार में, तो वो पानी भी हट जाएगा। तो चलिए फटाफट से जो है रोटी सेक लेती हूँ और उसके बाद फिर बहुत सारे काम हैं आज मुझे, एक कम्बल भी है वो भी ठीक करना है। तो चलिए अभी देखिए आप लोग मैं क्या क्या करती हूँ। फ्रेंड्स, बस रोटियां भी बन गई है, चाय भी देके आ गई हूँ पापा को, और ये जो घी मैंने आज बनाया था इसी यही मैंने रोटी में लगा दिया है। और बस जो है रोटियां भी पैक कर देती हूँ जल्दी से। और यहाँ पे मैंने किचन में ना पर्दा लगा रखा है, एक्चुअली आप लोग देख रहे होंगे एक कपड़ा लगाया हुआ है, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा धूप आने लग जाती है दोपहर में तो, और गर्म हो जाता है एकदम, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंड भी नहीं है मुंबई में, तो गैस पे एकदम धूप पड़ती है ना तो वो आँखों में बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है उसकी, मतलब चकाचौंध सी लगती है, इसलिए मैंने पर्दा यहाँ पे लगा दिया है। अभी बस थोड़ी देर में ही धूप जो है चली जाएगी गैस पर से, तो फिर मैं इसको हटा दूँगी, तो जब दोपहर में ही मैं इसको लगा देती हूँ बस। और ये जो दूध है ये चाय वाला दूध है, मतलब चाय के लिए अलग आता है और पीने के लिए अलग दूध आता है। तो बस ये दूध मैंने जो है गर्म करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया इसमें, और ये जो है आटा भी रख देती हूँ फ्रिज में। और बस ये मैंने देखिए पर्दा हटा दिया है, अब थोड़ा धूप चली गई है, थोड़ा उजाला हो जाता है किचन में, पर्दा लगा रहता है थोड़ा अंधेरा सा रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए घी भी जो है छान के रख देती हूँ बर्तन में। तो यहाँ पे मैंने बर्तन निकाल लिए हैं और घी काफ़ी ज़्यादा है तो एक बड़े टिफ़िन में भी रखूँगी और इन ये दोनों भी भर जाएंगे। और यहाँ पर दूध भी जो है साथ में गर्म हो रहा है। तो ये देखिए घी जो है मैंने निकाल दिया है छन्नी से छान छान के, और जो यहाँ पे कढ़ाई में बचा है ना तो उसको मैं शाम को रोटी में लगा दूँगी। और ये देखिए सामने ही खड़े खड़े मेरा दूध भी गिर गया है, ऐसा ही होता है मेरे साथ, जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ तभी मेरा दूध गिरता है, क्योंकि मैं ये सोच के, मतलब घी में ध्यान था मेरा फ़िलहाल अभी, और मैं यहीं सामने खड़ी थी, मुझे लगा कि जैसे ही ऊपर आएगा मैं गैस स्लो कर दूँगी और घी दूध गिर गया। और बस यहाँ पे देखिए घी निकल गया, मैंने ये 2 बर्तन में रख के रख दिया है। और बस अब चलते हैं रूम में और बनाते हैं अचार। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बनाने जा रही हूँ अचार मिर्च गोभी गाजर और मूली का। वैसे मैं इसमें मटर भी मिलाने वाली थी लेकिन ये मना कर रहे हैं, मटर मत मिलाओ। मैं सोच रही थी मटर भी मिलाओ, मटर मिला के भी अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। क्या बोलते हैं इसको? लाली फ्लावर। लाली फ्लावर, कली फ्लावर बोलते हैं इसको, फ्लावर है। और ये सच में इतना परेशान कर रही है, सो भी नहीं रही है, और अभी फिर धूप चली जाएगी थोड़ी देर बाद,
इसलिए मैंने कहा इसको मैं काट के और मतलब धूप में रख दूँ थोड़ा देर के लिए। धूप में थोड़ा सा रखेंगे तो ये सही हो जाएगा अचार, मतलब थोड़ी नमी रहती है तो वो सूख जाएगी। हाँ। ये नहीं छूना आप, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? चिकी। ग्रीन चिली। ग्रीन चिली। और ये क्या है? काजल। कैरेट। कैरेट नहीं, काजल। कैरेट बोलते हैं बेटा इसको। इसको देखती हूँ काटने के बाद की कितना बनाती हूँ। वैसे तो थोड़ा थोड़ा बनाना है मुझे। इसको काजल भी बोलते हैं और कैरेट भी बोलते हैं। हाँ, दोनों बोलते हैं। तो देखते हैं कितना बनाती हूँ। फिलहाल अभी ज्यादा तो मुझे नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा ही अचार बनाऊंगी क्योंकि हम ही लोग हैं खाने वाले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मूली और गाजर मैंने काट दी है, गोभी भी देखिए काट के रख ली है, और मिर्च जो है मिर्च के डंठन मैं बाद में निकालूंगी। और ये देखिए स्माइली क्या कर रही है, और स्माइली को आप देखिए, मैंने इसका वीडियो भी बनाया है थोड़ा सा, ये अपने आप देखिए क्या कर रही है। मैं अभी सब्जी काट रही हूँ, अभी मैंने खोल के रखा है। वीडियो लाइक नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी और ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी गरम कर लिया है, गोभी में गरम पानी में डाल दूंगी क्योंकि गोभी में मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, कीड़े वीड़े भी रहते हैं, और गोभी तो मैं हमेशा जब बनाती भी हूँ ना सब्जी भी, तो थोड़ा सा इसको गरम पानी में ही धो लेती हूँ क्योंकि अंदर कुछ पता नहीं रहता कब कीड़े वीड़े छोटे छोटे भी रहते हैं कई बार। और यहाँ पे ये मैंने कपड़ा फैला दिया है, और थोड़ी सी धूप अभी आ रही है थोड़ी देर के लिए, तो मैंने यहाँ पे कूलर के ऊपर कपड़ा बिछा दिया है, उस पर ये सारी चीज़ें फैला दी हैं। इनका जो पानी है वो कपड़े पे सोख लेगा और धूप में थोड़ा सा चला भी जाएगा। उसके बाद मैंने कहा जब तक ये सब सूख रहा है, शाम तो हो ही गई थी फ़िलहाल, मतलब इतनी ज़्यादा शाम भी नहीं है, अभी फ़िलहाल 3:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, तो बस मैंने कहा यहाँ पे जो है मैं ये देखिए ब्लैंकेट हमारा रखा हुआ था, ये पता नहीं चला मतलब कैसे, या तो चूहे के काम है ये, या फिर बच्चों के काम है, या फिर ये किसी चीज़ में उलझ के जो है ये फट गया है। तो ये ट्रैवल के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है ये वाला ब्लैंकेट, और ये काफ़ी अच्छा है, बहुत गर्माता है। आर्मी वाला, जो आर्मी वाले लोग यूज़ करते हैं ना, ये वो वाला ब्लैंकेट है। ये पापा ने बहुत पहले लिया था और अच्छा है, काफ़ी महंगा भी आता है ये, तो मैंने कहा क्यों ना इसको मैं ठीक कर लूँ तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसके जैसा जो उसमें कपड़ा यूज़ हुआ है ना वो मिल भी नहीं रहा मार्केट में। तो इसका जो कवर है ना मैं उसे लगा दूंगी यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने इसको चेन खोल ली है इसकी, और ये फ़िलहाल 2 जगह ऐसा हो रखा है, तो मुझे यहाँ पे मैंने इसका कवर है, मैंने कहा कवर तो दूसरा भी बन जाएगा, और यहाँ पे इसको कवर काट के ही इसके ऊपर जो है मैं लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे इंची टेप से इसको बराबर से नाप लिया है, और उसके बाद इसको मैं कट कर लेती हूँ। और काट के यहाँ पे मैंने इसके मतलब 4 जो इसके बॉक्स है ना, 4 बॉक्सेस में लगाना पड़ा क्योंकि ये इस तरीके से फटा ही था वो, कि मुझे इसको 4 बॉक्सेस में लगाना पड़ा। तो बस इसको मैं जो है अब सिल लेती हूँ। और ये जो है मतलब कोई भी चीज़ हो, मतलब अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो फिर वो बर्बादी हो जाती है, इसलिए इसको ठीक कर लेते हैं तो वो काम ही आ जाती है। और अभी फ़िलहाल पापा को जाना भी है, और इस टाइम पे क्या है ना कि ट्रेन वगैरह में ब्लैंकेट चादर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, सब अपना ही जो सब कुछ लेके जा रहे हैं, जब से कोविड वगैरह चल रहा है तब से ट्रेनों में सब अपना ही लोग लेके जाते हैं। तो पापा को गांव जाना है और ये ब्लैंकेट वो लेके जाएंगे, क्योंकि अपने उधर साइड तो ठंड है मतलब यूपी साइड में, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ठीक कर देती हूँ, और मतलब आज सिल लूँगी और कल इसको जो है धो के डाल दूँगी मैं, तो ये सूख भी जाएगा, धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा, क्योंकि जो उसका कवर है ना, ब्लैंकेट तो इतना गंदा नहीं है लेकिन कवर ऊपर रहता है तो कवर एकदम गंदा हो गया है इसका, तो कवर अलग ही दिख रहा है वो, तो मैंने कहा साफ़ कर दूँगी तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि मैंने सिला है ये। और सिलने के बाद सच में बिल्कुल मालूम भी नहीं चल रहा था कि ये इसमें कुछ जोड़ा भी है। देखिए आप लोग, एक साइड सिल चुका है और दूसरी साइड में इसको सिल रही हूँ, और बढ़िया से देखिए, जब मैं पूरा सिल दूँगी तब आपको दिखाऊँगी, देखिए कितना अच्छा लगेगा, पता ही नहीं लगेगा कि मैंने इसमें कुछ मतलब कपड़ा ऐड किया है। तो बस ये देखिए अब ये सिल चुका है पूरा, और मैंने ये देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा गंदा ज़रूर दिख रहा है ये, लेकिन बिल्कुल मालूम नहीं चल रहा है कि इसमें दूसरा कोई कपड़ा लगाया हुआ है। तो ये एकदम अच्छा से हो गया है, कंबल एकदम तैयार हो गया, उसको जो है कल मैं धो दूँगी तो बस ये साफ़ भी हो जाएगा।
और मतलब कंबल की जो है नई जिंदगी बन गई है उसकी, बेचारा पूरी तरह से फट गया था सच में। मतलब अफसोस हो रहा था कि इतना अच्छा खासा और ये पूरा ब्लैंकेट ख़राब हो गया था, बट सही हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे शाम के टाइम जो है ये सूख गए थे, मैंने इनको उठा लिया है बाहर से। और ये मिर्च तो काफ़ी ज़्यादा है, इतनी सारी तो फ़िलहाल मैं उसमें नहीं डालूंगी अचार में, और अभी इनका कुछ करना भी नहीं है, मिर्च तो कल ही करूँगी मैं जो भी है। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें गोभी डाल ली है, गाजर और मूली को जो है मैं यहाँ पे हल्दी और नमक लगा के रख दूँगी, क्योंकि इसका जो पानी है वो रात भर में छट जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने देखिए एक भर भर के चम्मच जो है हल्दी डाल ली है, और दो चम्मच भर के मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी नमक, और बस फिर इनको मैं कर लूँगी अच्छी तरीके से मिक्स, और मिक्स करके फिर उसको रख दूँगी। और ये देखिए एकदम सूखा सूखा ही लग रहा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पहले ही मैं सूखा चुकी हूँ। और इस तरीके से अचार बनाते ना तो बहुत अच्छा बनता है, जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर नमी नहीं है बिल्कुल भी, बस इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो नमक और नमक डाल के हल्दी डाल के रात भर में निकल जाएगा, और इतना ज़्यादा पानी भी नहीं निकलेगा अब इसमें, क्योंकि ये पहले ही सूख चुके हैं थोड़ा सा धूप में। तो बस ये देखिए ये मैंने मिक्स कर लिए हैं अच्छी तरीके से, और अब मैं इनको जो है रख देती हूँ। और मिर्ची तो मैं कल ही काटूँगी। ये देखिए सुबह हो गई है, और ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़ा सा ही पानी निकला है, और उसको मैं छान लेती हूँ। ये देखिए मैंने छान लिया है, और पानी ये हल्दी का पानी देखिए एकदम इतना सा ही निकला है थोड़ा सा। तो बस अब इनको जो है ना मैं धूप में भी सुखा लेती हूँ। तो बस ये देखिए मैं नहा धोकर तैयार हो गई थी, फ़िलहाल नाश्ता वास्ता भी कर लिया था, मैंने कहा चलो ये जो है अचार सुखाने डाल देती हूँ यहाँ पे बाहर, तो बस वही मैं यहाँ पे आके सुखा रही हूँ बाल। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे जो है अचार को फैला दूँगी, क्योंकि रात भर मैंने इसको डाल दिया था, और इसका जो पानी है वो सारा मैंने निकाल दिया है, हल्दी और नमक लगा के रख दिया था, और कल भी मैंने थोड़ा सा इसको सुखाया था, और अभी इसको 3-4 घंटे के लिए मैं यहाँ पे धूप में सुखाने के लिए रख दूँगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे धूप नहीं आई है, थोड़ी देर बाद लेकिन यहाँ पे धूप आ जाएगी, तो बस तब तक ये सूख जाएगा, फिर मैं दोपहर में इसको मतलब 2-2.5 बजे के आसपास तक ये सूख जाएगा, तब मैं फिर अचार बनाऊँगी। तो अचार जो है वो आपको दिखाई देगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आज का जो मेरा वीडियो है ना वो फ़िलहाल मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो चलिए अब मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ इस वाले ब्लॉग को, और मैं आप लोगों से मिलूंगी ये देखो स्माइली को, बस मैं वीडियो बनाने बैठी नहीं कि स्माइली तुरंत आ जाती है पीछे से। बोलो क्या बोलना है आपको। हेलो फ्रेंड्स, मेरा आर्य बाबा है, मेरे मम्मी का बर्थडे नहीं है। मम्मी का बर्थडे आने वाला है। आने वाला है। हाँ। मम्मी का बर्थडे आने वाला है ना। मम्मी का बर्थडे आने वाला है, अभी मैं अभी लंच खोल के लगाया अभी। हाँ चलो अभी हटो आप, ठीक है, मैं अभी बैठूंगी। हाँ, मैं नहीं बोलूंगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।